आहे आहे का? दोनच आहे, दोनच आहेत ना? चलो बच्चों सवाल करो जरा। टू चार्जेस मैं लिखूं तो साथ साथ में तुम भी लिख लिया करो बच्चों। टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू when placed at 3 cm apart experience 75 millinewton for millinewton repulsion force. If total charge Q1 plus Q2 is equal to 20 microcoulomb. The values of Q1, Q2. JE Main में आया हुआ क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। ट्राई करो जरा, क्वेश्चन दोबारा बोलता हूं। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 when placed at 3 cm apart experience 75 millinewton repulsive force. If total charge is 20 microcoulomb, the values of Q1 and Q2 are? फटाफट आंसर बताओ इसका। किसी को कोई प्रीवियस टॉपिक समझ नहीं आया तो पूछ लेना बेटा, क्योंकि ये लास्ट चांस है तुम्हारे पास, इसके बाद और कोई पढ़ाने वाला नहीं है तुम्हें। सौरभ का आंसर आ गया, वेरी गुड। फटाफट आंसर डालो चैट में फुर्ती से। जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो।
सही है शाबाश, सबका सही आ रहा है बेटा, सबका सही आ रहा है। सबका सही आ रहा है, गुड। Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम है, एक इक्वेशन तो यही मिल गई तुम्हें। माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करना पड़ेगा यहां पर, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 × 10⁻⁶, एक इक्वेशन ले लो। दूसरी इक्वेशन होगी आपकी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 / R², ये 75 mN है, तो 75 × 10⁻³, 9 × 10⁹, Q1 Q2 / 3 × 10⁻², इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास आ गया Q1 Q2 इज इक्वल टू, देखो 75 × 10⁻³ × 9 × 10⁻⁴ / 9 × 10⁻⁹, सही कर रहा हूं ना, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 75 × 10⁻²⁰ हो गया होगा, 75 × 16 − 16, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे, दो तरीके हैं सोल्व करने के, तुम जानते हो सब। या तो निकाल लो Q1 − Q2² इज इक्वल टू Q1 + Q2² − 4Q1 Q2, यहां से Q1 − Q2 निकाल लो और फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करके Q1 Q2 फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हो गया यहां से Q1 की वैल्यू उठा करके और इसमें डाल दो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन ध्यान रखिए, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन आया था, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच मास MKG Each mass 5 kg, नहीं 5 नहीं शायद एम ही है, MKG एंड चार्ज क्यू एंड चार्ज क्यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट suspended from a point by insulating threads string लिख दो, insulated strings each of length small l, ठीक है। If theta is the angle made by each string from vertical, the charge q is charge q in equilibrium,
देखो टू स्ट्रिंग से बंधी हुई है, इसका मतलब हो गया, ध्यान से देखो जरा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी ऐसे, ठीक। जितना फोर्स ये लगेगा उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा, अपन को पता है एफ इलेक्ट्रिक तो इधर ही लगना है। ये ऊपर से जो एंगल्स बना रही है वो थीटा एंगल बना रही है, ये टेंशन हो गया, एक ही का ले लो क्योंकि दोनों इक्वली आने हैं। नीचे हो गया हमारा एम जी, ये टेंशन है, ये थीटा है, इसको बोलेंगे अपन टी कोस थीटा, इसको बोलेंगे टी साइन थीटा, ठीक है। चलो तो टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो गया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई हो गया, और एफ ई क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन, दोनों का चार सेम है तो क्यू स्क्वायर लिख देंगे दोनों के बीच के डिस्टेंस। मान लो यहां तक, यहां से ये x है, ये भी x है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2x, ठीक है। वैल्यूज प्लेस करो, tan थीटा आप निकाल सकते हो आराम से और सोल्व कर सकते हो इसको। आंसर निकाल के बताओ फटाफट जरा। इनको दोनों को डिवाइड कर दो, टी कट जाएगा तो टेन थीटा आ जाएगा अपना एफ ई अपॉन एम जी। एफ ई की वैल्यू प्लेस कर दो यहां पर, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर एम जी। क्योंकि हमें ये एक्स गिवन नहीं है तो एक्स को एल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। x को l की फॉर्म में लिखोगे, ये l है, ये x है, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा x बाई एल, ये x, ये l, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहां देखो साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई एल। साइन थीटा है तो टेन थीटा निकाल सकते हैं अपन आराम से, टेन थीटा की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू डाल दो यहां से एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, देख टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी। तो क्यू क्या आना चाहिए, देखो क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, ये सब ऊपर चला जाएगा, फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टेन थीटा, टेन थीटा, और नीचे आ जाएगा अपना के, ये आंसर आएगा। देखो किस किस का आंसर सही है, ठीक है। के की जगह वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, के की जगह वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, तो क्या बन जाएगा फिर, देखो तो Q इज इक्वल टू अंडर रूट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टेन थीटा। तो ये बन गया हमारा, फोर बार आ जाएगा अकेला, केवल फोर साइन थीटा, बस L भी आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर गया, एल गया, एक साइन थीटा गया,
एम जी टेन थीटा, ये चार्ज आएगा। हो गया बेटा, हटा दें। चलो एक और आया था सेम क्वेश्चन जेई में, मेरे पास है, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फीयर्स are suspended in air by strings of equal weight. By strings of equal weight and make an angle 30 degree with each other and make an angle 30 degree with each other. ठीक है, आगे पूछ रहा है, when suspended in liquid of density liquid of density 800 kg per meter cube angle remains the same. Angles remains the same. What is dielectric constant of the liquid? If density of material of the spheres is 1600 kg per meter cube. ये क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ो जरा क्वेश्चन को और ट्राई करो। IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दो सिचुएशन है इसमें, फर्स्ट सिचुएशन निकालो पहले, ये इसकी फर्स्ट सिचुएशन है, आइडेंटिकल स्फीयर है नेचुरली, अभी जो मैंने बताया था, ये पूरा 30 डिग्री है, ठीक है, मान लो यहां से थीटा एंगल बनाता है ये, mg नीचे लगेगा, ये हो गया हमारा एफ इलेक्ट्रिक, ये हो गया टेंशन, ये हो गया टी कोस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है, वेट ले लो इसको, तो यहां से टेन थीटा क्या आएगा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पूरा कर देता हूं, चलो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक है, टी कोस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू है, तो टेन थीटा हो गया एफ इलेक्ट्रिक बाय डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर वन, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है।
ठीक है। अब क्या किया, इस पूरे सिस्टम को हमने क्या किया, किसी फ्लूड में डाल दिया, किसी लिक्विड में डाल दिया, पूरा का पूरा सिस्टम लिक्विड में डाल दिया। अब जो पहले फोर्स क्या था, एफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब मान लीजिए नया फोर्स कुछ आएगा, नया फोर्स कुछ आएगा तो देखो जरा, अब एंगल में कोई चेंज नहीं है, तो नया केस में अपन क्या करेंगे, एंगल वही रहेगा 30 डिग्री, कोई चेंज नहीं है, ये टेंशन, वही टी, ये थीटा, एंगल में चेंज है ही नहीं है। अब ये एफ इलेक्ट्रिक डैश, डब्ल्यू डैश, और ये हो गया टी साइन थीटा। तो अब वापस अपने पास क्या मिलेगा, यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन डब्ल्यू डैश, नया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, और नया मिल गया हमें डब्ल्यू डैश। दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एफ ई बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ई डैश बाई डब्ल्यू डैश, ठीक है। चलो, फ्लूड जानते हो नहीं जानते हो, फ्लूड पढ़ाया होगा किसी ने फ्लूड नहीं पढ़ाया गया जेई सेंटर पे अपने, अरे फ्लूड नहीं पढ़ाया गया, तुम जवाब नहीं देते यार बच्चों, मजा नहीं आएगा, तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं पढ़ाना वढ़ाना बंद कर दूंगा। मैं पढ़ाया ना बस, तो फिर मजा आ गया। जब किसी वेट को हम उसमें डालते हैं, फ्लूड में डालते हैं, तो एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम क्या है, बायोन्सी। हाँ, उस फोर्स का नाम क्या है, बायोन्सी, वो बायोन्सी लगेगी यहां पर। हटा दो इसको, क्वेश्चन नोट कर लेना सबने। चलो, देखो, अरे यार ठीक है, एफ ई डैश डब्ल्यू डैश। अब सुनो ध्यान से, यहां देखो, एफ ई अपॉन एफ ई डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। बेटा देखो, दो चीजें समझो यहां पर, एक तो मैंने बताया था कि फोर्स क्या होगा, एंगल विल चेंज, नहीं एंगल सेम रहेगा बेटा, दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल सेम रहेगा, ठीक है। हाँ, तभी तो अपन ने इक्वेशन लिया, अदरवाइज ले ही नहीं सकते थे। एंगल सेम क्यों रहेगा, देखो ना बेटा, देखो टेंशन चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि W चेंज हो गया, यहां पर वेट चेंज हो गया, वेट चेंज होते क्या होगा, देखो मैंने बताया था एफ वी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कूलम्स लॉ में बताया था मैंने कि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। दूसरा W क्या है बेटा, mg, और W डैश क्या हो जाएगा, W डैश क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, mg माइनस m डैश g। सुनो, ये W होगा हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g, ये दोनों सेम है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g माइनस वॉल्यूम इंटू नई डेंस, किसकी डेंसिटी, बायोन्सी की, इंटू g, ये प्लेस कर दो इसमें, तो k इज इक्वल टू v, वॉल्यूम तो सेम रहता ही है, जो कट रहा है उनको काट दो, क्या आ रहा है ऊपर, रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा, 1600 डिवाइडेड बाय 1600 माइनस 800, दो आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज के, 1.25 नहीं बेटा, 1.25 नहीं, 2 आएगा, चेक कर, कैलकुलेशन चेक कर, सब तरह के क्वेश्चंस हो गए हमारे, डायरेक्शन वाले भी हो गए, इस तरह के भी हो गए, कूलम्स लॉ में लगभग ऐसा ही पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा सबको, एक दो क्वेश्चन और करते हैं थोड़े से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम A particle of mass m carrying charge minus q1 minus q1 is moving around a charge plus q2. Moving around charge q2. आगे पूछ रहा है अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है भाई। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इज, कंबाइंड कॉन्सेप्ट है, टाइम पीरियड निकालना है अपन को। देखो ये कोई चार्ज Q2 है यहां पर, ये चार्ज Q1 चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए किसी V1 वेलोसिटी से लगा रहा है, माइनस Q1 है, निश्चित रूप से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। फटाफट करो जरा, तो यहां एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एफ सी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से वेलोसिटी निकालो या v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख करके सीधा ओमेगा निकाल दो, सबको आना चाहिए बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, टाइम पीरियड बोलो, टाइम पीरियड बोलो जल्दी। V को R ओमेगा लिख दो ताकि इजी बन जाएगा थोड़ा सा, V इज इक्वल टू R ओमेगा और ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई बाई टी, तो यहां से सीधा टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। तो K Q1 Q2 by R square इज इक्वल टू M अपॉन R, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, जो जो कट रहा है काट दो। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो इधर ऊपर आएगा फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब एम डिवाइडेड बाय के क्यू वन क्यू टू या
4 pi epsilon naught 4 pi square r cube m divided by q1 q2। देखो ये आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल विश्वजीत, किसने लिखा आंसर? विश्वजीत। जो बाहर आ सकता है ले लो, नहीं आ रहा उनको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ और इसके कुछ एप्लीकेशंस। और क्वेश्चन कराओ, आगे बढ़ो बेटा, बोलो जल्दी। कूलम्स लॉ क्लियर है क्या? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कल का वीडियो लेक्चर पोस्ट कर दिया ना बेटा मैंने, कल रात को किया था। हाँ रात को किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कूलम्स लॉ की शीट देता हूं मैं, आज भेजता हूं तुम्हें। कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस करना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फील्ड अराउंड अ चार्ज। चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस द रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई चार्ज है उसके आसपास का जो फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? देखो मान लो ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये किसी चार्ज का, और इसमें कोई दूसरा चार्ज रखा अपने टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, मान लो क्यों कोई पॉइंट चार्ज है, इसके फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखा अपन ने, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज एंड क्यू नॉट, इनका जो रेशियो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यहां पर लिमिट मैंने क्यों लगाई है? लिमिट इसलिए लगाया कि क्यू नोट जो है ये टेस्ट चार्ज है। क्यू नोट क्या है? टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? वेरी स्मॉल चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यू नोट इज अ टेस्ट चार्ज और क्यू नोट को हम क्या बोलेंगे? वेरी वेरी स्मॉल चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने लिखा है कि Q नॉट टेंड्स टू जीरो। Q नॉट की जो वैल्यू है लगभग नेग्लिजिबल है, केवल हम फील्ड को टेस्ट करने के लिए लगा रहे हैं। नहीं बेटा, जैसे अपने घर की जो इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करते हैं, किससे टेस्ट करते हैं? टेस्टर से करते हैं। तो टेस्टर में क्या होता है? अंदर छोटा सा एक येल्लो सा कलर का, येल्लो कलर का बहुत छोटा सा माइन्यूट सा बल्ब होता है, केवल टेस्ट करते हैं कि उसको लगा के देख ले, हाँ भाई यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही या नहीं हो रही। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको टेस्ट करने के लिए टेस्टर यूज करते हैं, और जो इलेक्ट्रोस्टेट है उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है। देखो तो मैंने लिखा E इज ऑफ F बाई क्यू नॉट। अब मैं अगर मान लो बोल दूं कि क्यू नॉट इज वन, वन को बोलते हैं हमेशा याद रखो पूरे चैप्टर में यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वन को क्या बोलेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गया? F के बराबर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू दैट फोर्स
which is experienced by the unit positive charge. Unit positive charge किसी field में जितना force experience करता है उसी force को हम electric field intensity कहते हैं, ठीक है? तो force experienced by unit positive charge इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सीधा सा याद रखेंगे. इसकी यूनिट देखो, यूनिट नोट कर लो बेटा, इसकी न्यूटन पर कूलम, आगे जाकर के वोल्ट पर मीटर हो जाएगी, एंड वोल्ट पर मीटर, ठीक है? अभी न्यूटन पर कूलम रखेंगे.